से मत करो, थोड़ा ऊपर वाले से भी डरो। थैंक यू सो मच। देखा, म्यूजिक ने इसके गुस्से को ठंडा कर दिया, अब ये हमारा दोस्त है। पर अगर किसी को म्यूजिक बजाना नहीं आता तो वो क्या करेगा? उस बिचारे को तो ये वैम्पायर का बच्चा कच्चा ही खा जाएगा ना। अरे वो म्यूजिक सीख लेगा, डोंट वरी। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हारे बालों की तरह तुम्हारी अकल भी घास चरने गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम बढ़िया म्यूजिक कहाँ से सीख सकते हो। देखो, तुम पियानो की प्रैक्टिस करो, आकर मैं टेस्ट लूंगा। ओके। तुम ठीक तो हो ना? जी जी, हम तो ठीक हैं। एक खून पीने वाला वैम्पायर हमारे पीछे पड़ा था। जल्दी से पुलिस को फोन करो, वरना हम में से वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हे दोस्तों, लगता है मैंने सबूत ढूंढ लिया। इतना बड़ा खजाना किसका होगा आखिर? ऑफ कोर्स वैम्पायर का। रुको रुको रुको, एक मिनट। ये खजाना किसी का भी हो, इसे लेकर भाग चलते हैं। इससे हम तीन चीजें खरीदेंगे, टेस्टी खाना, टेस्टी फूड और बहुत टेस्टी भोजन। हाँ दोस्तों, पर कोई वैम्पायर खजाने का क्या करेगा? मुझे तो इस दाल में काले काले कंकर नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये खजाना लोगों से लूटा गया हो, वो लोग जो भूले भटके रात गुजारने के लिए यहाँ जाते होंगे। क्या इस खूनी वैम्पायर ने उन बेचारे लोगों का सफाया कर दिया है, या हवेली के किसी तहखाने में उन्हें कैद करके रखा है, या हमारा भी सफाया कर देगा वो, या हमें कैद करके उसी तहखाने में फेंक देगा, फेंक देगा, फेंक देगा। कैसे हो दोस्तों? इंस्पेक्टर घसियारा, मैं तुम्हारी वैन के पास ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर इन दोनों मासूमों की चीख सुनकर सीधा हवेली के अंदर आ गया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, ये खजाना इस बात का सबूत है कि यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है। खजाना कौन खा गया? लेकिन हमने अपनी आँखों से वो खजाना देखा था। शायद वैम्पायर उसे ले गया। देखिए मोहतरमा, कानून सबूतों पर यकीन करता है, पर माफ कीजिए, यह सबूत तो क्या, सबूत की कोई बू तक नहीं आ रही है। अगर कोई सबूत मिले तो एक बार चीख देना। अलविदा। हो सकता है वैम्पायर खजाना ले गया हो, उसके पास गायब होने की शक्ति है, और शायद इसीलिए वो हमें से किसी को दिखाई भी नहीं दिया। यह चौकीदारी करते हुए मुझे पूरा साल बीत गया, यहाँ पे मुझे कोई खजाना नहीं मिला। आपको बस यहाँ एक साल हुआ है? आपके पहले कौन चौकीदार था यहाँ? पहले यह तपेदिक सिंह था, निठल्ला और डरपोक। डर के मारे वो रोज बिस्तर गीला कर देता था।